कल हम लोग जो किए थे वेक्टर स्पेसेस क्या होते हैं उनका डेफिनेशंस वगैरह किए थे हम लोग, सो आज एग्जांपल्स करेंगे। सो कल जो था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। उधर से चलो, उधर से आ जाओ, उधर से खेल लेना। सो जो कंटिन्यू करेंगे, अगर वी प्लस डॉट जो है, अगर ये वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, ठीक है, ओवर द फील्ड एफ, सो यहाँ पे जो वेक्टर के जो वेक्टर स्पेस जिसको मैं बोल रहा हूँ वी, सो उसके एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स, और एफ मतलब जो फील्ड है उसके एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलर्स। सो कोई भी अगर जिसे वहां पे लिए थे वी वन वी टू, इस वी के एलिमेंट्स को जब भी आप लेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर्स, और जो फील्ड के जो एलिमेंट्स है उनको हम क्या बोलेंगे, स्केलर्स, किसी भी वेक्टर स्पेस में, ठीक है। सो ये एजम्पशन बोलो या फिर जो है कि उनको एलिमेंट्स को पुकारने का एक तरीका है। सो अब आते हैं एग्जांपल्स। सो एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे फंडामेंटल एग्जांपल्स की अगर बात करता हूं तो फंडामेंटल एग्जांपल ये होता है कि कोई भी आप फील्ड लीजिए, ठीक है, और उसकी एक सब फील्ड ले लो, ठीक है। सो वो जो फील्ड होता है वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर द सब फील्ड। सो मान लो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं एफ ई जो है एक फील्ड मैंने लिया, ठीक है ना, और इसकी सब फील्ड में लेता हूं एफ, एफ क्या है, इसकी सब फील्ड है, तो ये ई जो होगा वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ओवर द सब फील्ड क्या, एफ, ठीक है ना। सो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अब मैं आता हूं सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करता हूं। सो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सब फील्ड होता है वो क्या होता है, रियल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है ना, ये सब फील्ड्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, रेशनल नंबर्स भी क्या होते हैं, सब फील्ड्स होते हैं। सो दैट मींस क्या हुआ कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओवर द फील्ड क्या, रियल नंबर, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स, और इनफैक्ट हर एक फील्ड अपनी खुद की सब फील्ड होती है, तो सी ओवर सी भी क्या करेगा, एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। उसी तरीके से आर ओवर आर ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, ठीक है, और फिर आर ओवर क्यू ये भी क्या करेगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, क्यों, क्योंकि इसको मैं सब फील्ड ले रहा हूँ, इसको मैं फील्ड ले रहा हूँ। सो ये एग्जांपल्स हैं, और ये मैक्सिमम एग्जांपल्स हम इन्हीं पे करते हैं, बेसिस डायमेंशंस वगैरह का डिस्कस करेंगे। सो ये एक वेक्टर स्पेस का इंपॉर्टेंट एग्जांपल, फंडामेंटल लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सो इस एग्जांपल को पहले करते हैं। सो एग्जांपल वन, लेट ई बी अ फील्ड, ठीक है, ये कोई फील्ड ले लिया मैंने, एंड एफ बी अ सब फील्ड, ठीक है, अ सब फील्ड ऑफ ई, देन ई इज अ वेक्टर स्पेस, या ई फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस, वो ज्यादा अच्छा होगा, या ऐसे लिख, चलो ठीक है, ई इज अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस ओवर ओवर एफ, ठीक है ना। सो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है वेक्टर स्पेसेस का, कोई भी फील्ड लीजिए उसकी सब फील्ड ले लीजिए, सो फील्ड जो होगा वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ओवर द सब फील्ड, ठीक है। सो इसके ये सारे एग्जांपल जो लिखा मैं लिख देता हूँ, इसका एप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट लिखा है इसका एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया कि जैसे मैंने आपको लिखा था सी, ये मैं ई की जगह ले रहा हूँ, ओवर द सब फील्ड, इसका सब फील्ड खुद का होगा, ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, फील्ड ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ओवर रियल नंबर्स, ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, सी ओवर क्यू ये भी क्या करेगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। उसी तरीके से आर, इसका सब फील्ड क्या है, क्यू, तो आर ओवर क्यू ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, ठीक है। उसी तरीके से आर ओवर आर भी सब फील्ड होता है ना, आर खुद का सब फील्ड है, तो ये सारे, सो ये सारे जो है वेक्टर स्पेसेस हैं। ये एक एग्जांपल ये हो गया कि आपको अगर वेक्टर स्पेस का एग्जांपल अगर याद करना है तो ये इनमें से कोई भी एक आप एग्जांपल दे सकते हैं। और मेन जो एग्जांपल्स है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आ रहा है कि अगर कोई फील्ड ले रहा हूँ वो जो होता है वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है अपने सब फील्ड के ऊपर, ठीक है। क्यू ओवर क्यू बिल्कुल हो जाएगा, क्यू ओवर क्यू भी हो जाएगा। सो अब आते हैं इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा और, मतलब बोलते हैं ना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है जब हम डायमेंशन डिस्कस करते हैं। अब जैसे सी आर ओवर क्यू की बात करो,
ठीक है ना. सो वो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन की बात करते हैं तो वो डायमेंशन जो है फाइनाइट नहीं होता है, ठीक है, वो इनफाइनाइट डायमेंशन आता है. तो डायमेंशन की बात करेंगे वहां पे थोड़ा सा मतलब ट्रिकी होता है, वहां थोड़ा समझने की बात है. सो जब आएंगे बेसिक्स ऑफ डायमेंशन पे तो वहां पे करेंगे. सो फिलहाल ये एक एग्जाम्पल हुआ. एक और एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में आया हुआ होम एग्जाम में, कि अगर मैं कोई भी एक फील्ड लेता हूं, ठीक है ना. सो लेट एफ बी अ फील्ड, ठीक है, एफ बी अ फील्ड, ठीक है. देन एफ एन की अगर मैं बात बोलता हूं, एफ एन क्या होगा, एन टपल्स आते हैं ना, अगर इसको आप बात करेंगे. सो एन टपल्स क्या होता है, F क्रॉस F, इस तरह से क्रॉस F, N टाइम्स ना, ये होता है ना. सो N टाइम्स ये आता है. सो Fn जो हो गया, सो एक फील्ड लिया आपने और Fn अगर आप कंसीडर करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि ये जो होता है ना Fn जो मैं ले रहा हूँ, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर द फील्ड क्या F, ठीक है ना. सो इसको डिटेल में करेंगे बट इसका एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, पहले एप्लीकेशन बात कर लेते हैं उसके बाद फिर इसका डिटेल की बात करते हैं कैसे क्या करते हैं, ठीक है. या चलो ठीक है, पहले यही पे बात करते हैं कि ये किस कैसे वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है. सो अगर मुझे वेक्टर स्पेस अगर दिखाना है तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे जो वी मैं लेता था नॉन एम्प्टी सेट में, वहां पे मैं क्या ले रहा हूँ एफ एन, और जो फील्ड ले रहा था वो फील्ड खैर एफ है, ठीक है ना. सो अगर इसको इस फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस फॉर्म करना है तो जो तीन या चार प्रॉपर्टीज थी उनको सेटिस्फाई करना होगा. वो क्या प्रॉपर्टीज थी, पहला तो ये कि एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, ये एबेलियन ग्रुप होना चाहिए. ये तो यहाँ पे एडिशन कैसे डिफाइन करते हैं, फिर जो एक्सटर्नल कंपोजिशन या एक्सटर्नल बाउंड्री ऑपरेशन बात करता था, एक एलिमेंट फील्ड का लोगे और यहाँ पे एक वेक्टर लोगे ना, तो वो जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कैसे डिफाइन करेंगे. सो पहले तो अगर ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है तो यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, ये जो दो बाइनरी ऑपरेशन थे, एडिशन क्या था इंटरनल था और जो मल्टीप्लीकेशन था वो क्या था एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन था ना. सो उसको कैसे करेंगे, सो वो मैं बता देता हूँ आपको. सो देखो, जो अब अगर ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है इस फील्ड के ऊपर, तो यहाँ पे जो एडिशन होगा ना वो क्या होगा, वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा ना. क्यों, क्योंकि एफ एन प्लस को जो है एबेलियन ग्रुप फॉर्म करना है. सो ये जो मैपिंग होगी वो कहां से कहां तक होगी, एफ एन क्रॉस एफ एन से एफ एन पे ना. सो दैट मींस क्या हुआ, यहां के दो एलिमेंट्स को लेके मैं ऑपरेट करूंगा और उनको ऐड करना है ना, तो वो भी वो कहां पे आने चाहिए, एफ एन में. सो चलो, अगर एन टपल्स, इसको क्या बोलते थे, एफ एन के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, एन टपल्स, एन कॉलम्स में आएंगे ना. सो एक मैं कैसे ऐड करूंगा, सो चलो मैं वी वन लिखता हूं, ठीक है. V1 को मैं लिखा, ये मान लो X1, ये एक एलिमेंट ले रहा हूँ Fn का, ठीक है ना. X1, X2 इस तरह से Xn n टपल्स में आएंगे, ठीक है ना. ये किसका एलिमेंट है, Fn का, ठीक. उसी तरीके से दूसरा एलिमेंट मैं V2 लेता हूँ, वो क्या हो जाएगा, Y1, Y2, Ym, ये भी किसका एलिमेंट ले लिया, Fn का. आप देखो यहाँ पे चूंकि एडिशन क्या इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, तो Fn के ही दो एलिमेंट्स पे ऑपरेट होगा. सो अगर आप ऑपरेट करोगे, सो ये V1 एक वेक्टर लिया, V2 भी दूसरा वेक्टर लिया ना, तो इनको ऐड कैसे करोगे, ये क्या n टपल्स में है, तो लिखो V1 क्या था आपका, X1, X2, डॉट 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 क्या, Xn. अब यहाँ पे ऐड करना है आपको क्या, Y1, Y2, डॉट 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 Yn. सो जब इसको ऐड करेंगे आप, तो एडिशन किस टाइप का आएगा, आप जानते हैं कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन होता है. कोऑर्डिनेट वाइज मतलब क्या हुआ, इस वेक्टर का मतलब V1 का जो फर्स्ट कंपोनेंट है V2 के फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड होगा, इसका सेकेंड जो है इसके सेकेंड के साथ ऐड होगा, तो ये क्या आ जाएगा, एक्चुअल X1 प्लस क्या होगा, Y1, ये हो जाएगा X2 प्लस Y2 डॉट 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 Xn प्लस Yn. ये होगा बेटा, ठीक है ना. अभी देखो जब ये ऐड कर रहे हो, चूंकि फील्ड है ना, ये दोनों एलिमेंट्स कहाँ के आ रहे हैं, अगर बात अगर देखो आप, तो ये F के आ रहा है ना, ये भी क्या है F का एलिमेंट है, ये भी क्या है F का एलिमेंट है, ये भी F का एलिमेंट है ना. तो मतलब क्या हुआ, अगर ये दो एलिमेंट F के हैं और F अगर फील्ड है, तो वो फील्ड का पहला ही प्रॉपर्टी क्या था, एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. तो ए बी एलिमेंट एफ का हो गया, ए बी एफ का हो गया, ए बी एफ का हो गया. सो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पूरा जो हो गए वो किसके एलिमेंट हो जाएंगे, एफ एन के एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है ना. सो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन हुआ, ठीक है ना.
अब आते हैं एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं, जहां पे मैं क्या बोल रहा हूं मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे। सो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, फील्ड ठीक है ना, क्रॉस एफ एन टू किस में जाना चाहिए, एफ एन, क्योंकि ये एफ एन में क्या होता है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, एक एलिमेंट फील्ड का एक एलिमेंट ले लूंगा, एलिमेंट ले लिया, और एक वेक्टर मुझे लेना है कहां का, यहां का ना एफ एन का। तो मान लो जो मैं लिखा था वही लेता हूं, एक्स वन एक्स टू और एक्स एन ठीक है। तो अगर ये मैं ले लेता हूं तो यहां पे देखिए अल्फा वी वो क्या हो जाएगा, मैं अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा इस वेक्टर में ना वी में, ये क्या है एक्स वन एक्स टू और इस तरह से क्या एक्स एन। अब देखो इसके इसका जो रूल है मल्टीप्लाई करते हो कंपोनेंट कोऑर्डिनेट वाइज, मतलब हर एक कंपोनेंट में जो है ना ये अल्फा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा एक्स वन अल्फा एक्स टू और इस तरह से अल्फा एक्स एन मल्टीप्लाई हो गया ना। अब देखो अल्फा कहाँ का एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है, एक्स वन भी कहाँ का एलिमेंट है, फील्ड का एफ का ही है, तो चूंकि एफ डॉट नॉन जीरो एलिमेंट में ले रहा हूं तो एफ डॉट जो होगा वो क्या करना चाहिए F star dot ना जीरो हटा देंगे तो abelian group form करना चाहिए field के लिए। so that means अगर ये दो non-zero elements हैं तो इनका product भी क्या हो जाएगा non-zero होगा, मतलब उस F का आएगा। so मतलब ये भी F का element, ये भी F का element, ये भी F का, ये पूरा जो किसका element हो गया Fn का, ये पूरा Fn का। that means क्या हो गया कि यहाँ पे जो है ये binary operation है किसमें Fn में external binary operation ठीक है। so अब आप इसको verify करिएगा इन दोनों binary operations के respect में जो होता है ना ये क्या करता है, अब ये जो एफ एन होता है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर द फील्ड क्या एफ ठीक है ना। सो ये अब इसका एप्लीकेशन, जैसे अब नॉर्मल केसेस में हम जैसे पढ़ते हैं आर एन आर एन आर टू आर थ्री आर फोर या सी टू सी थ्री सी फोर इस तरह से मैं लेता हूं तो ये वेक्टर स्पेसेस फॉर्म करते हैं ठीक है। सो इसका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, जैसे एप्लीकेशन जानना जरूरी है, ये तो हो गया इसको प्रूफ आप कर लेंगे। So, application क्या है, मैंने एक फील्ड लिया आर ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये जो आर एन होगा ठीक है ना ये ओवर आर एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा इस रिजल्ट से ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं सी एन लेता हूं तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा क्या ओवर द फील्ड सी ठीक है ना। सो ये इसका एप्लीकेशन हो गया ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, ये दो एग्जांपल्स हैं और एग्जांपल्स भी करेंगे हम लोग। सो अब वेक्टर स्पेस की जरा कुछ प्रॉपर्टीज की डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लो चूंकि वेक्टर स्पेस क्या है एक स्ट्रक्चर है ना v प्लस डॉट, और अगर ये एक फील्ड है उसके ऊपर वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ठीक है ना। सो यहाँ v प्लस को एबेलियन ग्रुप फॉर्म करना है ठीक है, तो उसका मतलब उसकी आइडेंटिटी आइडेंटिटी की बात करते हैं, जीरो से नोटेशन है तो इसमें भी जीरो है, फील्ड में भी जीरो आएगा। फील्ड में तो जब एडिशन के रिस्पेक्ट में फील्ड भी क्या करती है एबेलियन ग्रुप फॉर्म करती है, तो क्या होगा। अब देखो ये जीरो मैं नोटेशन में यूज करता हूँ इस वेक्टर के लिए, मतलब यहाँ बी प्लस का जो आइडेंटिटी होगा, और सिंपल जीरो मैं नोटेशन यूज करूंगा किसके लिए फील्ड के एलिमेंट्स के लिए, मतलब फील्ड का एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी। तो उस केस में क्या होगा, अगर मान लो जैसे ये प्रॉपर्टी क्या है नंबर वन, अगर मैं जीरो वेक्टर लेता हूँ ठीक है ना, और फील्ड के किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता हूं, फील्ड के किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा क्या जीरो, जीरो क्या जीरो वेक्टर आना चाहिए एक्सटर्नल बाउंड्री ऑपरेशन से, ये किसका एलिमेंट होगा वी का। उसी तरीके से अगर मैं ये जीरो ले लिया यहां पे ठीक है ना फील्ड वाला, और मल्टीप्लाई कर देता हूं किसके वेक्टर के वेक्टर स्पेस जो मैं वी जो बोल रहा हूं उससे किसी नॉन जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आ जाएगा जीरो, जीरो वेक्टर आ जाएगा। अब आते हैं तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एक अल्फा फील्ड का एलिमेंट लेता हूं वी जो है वेक्टर स्पेस का मतलब उसका एलिमेंट लेता हूं अल्फा इंटू वी, और अगर ये जीरो बार आता है तो इसका मतलब क्या होगा एग्जैक्टली या तो ये अल्फा जीरो हो जाएगा ठीक है ना, या तो अल्फा जीरो हो जाएगा या फिर ये जो वेक्टर है वो जीरो हो जाएगा ठीक है ना। सो ये कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी। सो ये अब इसके बाद जो डिस्कस करेंगे हम लोग क्या सब स्पेसेस ठीक है। सो पहले इसको लिख लीजिए आप लोग।